हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। बता दीजिए, आप इंटर के बाद क्या पढ़ाई किए थे? मैं इंटर में, इंटर पहले मैं तो गल्फ का एक्सपीरियंस, फर्स्ट प्रायोरिटी जो भी यहाँ पे देता है वो गल्फ एक्सपीरियंस को ही देते हैं। गल्फ एक्सपीरियंस, अगर आप इंडिया से एक्सपीरियंस चाहे 4 साल, 5 साल, इवन 10 साल। जैसे ये बिल्डिंग बन रही है अभी, आपको जैसे इंटरव्यू के लिए भाई लोग, आई होप सब अच्छे होंगे, सब अपनी लाइफ में अच्छे से कर रहे होंगे। और मेरा आज वीडियो, भाई आज काफी इम्पोर्टेंट वीडियो है ये, क्योंकि अभी मेरे एक दोस्त है, उसके भाई से मेरी मुलाकात हुई, वो खुद आए थे मिलने के लिए। उनका सबसे पहले मैं उनके बारे में बता दूँ कि वो गल्फ़ इन्फो का है, उनका यूट्यूब पे एक चैनल है और वो काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर है उनके, 379K के अराउंड उनके सब्सक्राइबर है। उनकी वीडियो काफ़ी मिलियन में भी जाती है, आप लोग उनकी वीडियो पे जाके, उनके यूट्यूब पे भी जाके आप सर्च करके आप देख सकते हैं। यहाँ पे उनका पूरा यूई में एक एक चीज़ वो बताए हैं, कुवैत है, यूई है और ओमान है, जिस जिस कंट्री में गए उन्होंने विजिट किया है उस कंट्री के बारे में, उनकी वहाँ पे हाउस ड्राइवर की सैलरी कितनी होती है, मतलब लेबर से लेकर इंजीनियर तक की उनकी वीडियोस पड़ी है, आप जाके वहाँ पे उनके विजिट कर सकते हैं चैनल का। तो उनके साथ भी मेरा अभी मुलाकात हुई, तो रिसेंटली में उनसे मुलाकात हुई, तो उनके साथ मेरा एक वीडियो हुआ है, तो मैं चाहता हूँ उन्होंने क्या क्या मुझसे पूछा, कैसे आना हुआ, क्या क्वेश्चन हुए, क्या फेस करना पड़ा, एज अ फ्रेशर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये वीडियो आप लोग देखें। ओके, और कमेंट जो भी करना है भाई आप कमेंट करते रहें। ओके, आपको जो भी चाहिए यहाँ से, सिविल इंजीनियर, एज अ सिविल इंजीनियर भाई, सिविल इंजीनियर के जितना मुझे यहाँ पे मैं फेस कर रहा हूँ, तो मैं वो चीज़ें आप लोगों को ज़रूर बता दूंगा। ओके कि ओके, आप जो भी मैं फेस कर रहा हूँ वो आप लोगों को ज़रूर बता दूंगा, ठीक है। और कुछ भी क्वेश्चन होगा भाई कमेंट ज़रूर कर लेना, ठीक है। ओके चलो देखो भाई वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, तो थोड़ा सा जैसे अपना इंट्रोडक्शन करा दीजिए आप। मैं मोहम्मद सलमान जावेद, मैं इंडिया से आया हूँ, अराउंड 1 मंथ हो गया है लगभग आए हुए यहाँ पर। अच्छा। सिचुएशन में अभी जॉब की तलाश है, सिविल, एज अ सिविल इंजीनियर के पोस्ट पे मैंने 4 साल वहाँ पे काम किया है इंडिया में। अच्छा। हाँ, और सलमान भाई जैसे अभी थोड़ा सा अपनी पढ़ाई के बारे में बता दीजिए, आप इंटर के बाद क्या पढ़ाई किए थे? मैं इंटर में, इंटर पहले मैं तो हाई स्कूल, मैंने 10th क्लास मैंने 12 बंकी से किया है। अच्छा, लखनऊ। अच्छा। से मैंने जो भी पढ़ाई, अपनी एजुकेशन सिस्टम किया है वो लखनऊ में ही किया है जी। और उसके बाद फिर मैं 12th क्लास फिर लखनऊ से किया, इंजीनियरिंग मैंने कानपुर से बीटेक किया है। और ये 4 साल का कोर्स है, वहाँ से करने के बाद फिर मैंने, जैसे ही मैं पढ़ाई मेरी कम्प्लीट होने वाली थी, फाइनल ईयर था, तभी मेरा वहाँ पे पूर्वांचल कंस्ट्रक्शन लखनऊ में, एक नोएडा की कंपनी है, काफी बड़ी कंपनी है। अच्छा। और इस कंपनी में मैंने एज अ इंटर्नशिप करने ट्रेनिंग पे गया था लखनऊ में, इनका साइट चल रहा था पूर्वांचल किंग स्नो कोर्ट नाम से, ये लग्जरियस फ्लैट अब तक लखनऊ का सबसे लग्जरियस फ्लैट है। और ये सोसाइटी बनी है। अच्छा, उसी में पूरा काम किया। हाँ, फिर वहाँ पे मैं इंटर्नशिप कर रहा था, उसके बाद वहाँ पे एक प्रोजेक्ट मैनेजर सर थे, उन्होंने फिर मुझे ऑफर कर दिया जब मेरी पढ़ाई कम्प्लीट होने वाली थी, अराउंड 1 मंथ या 2 मंथ बचा था फाइनल एग्जाम होने में, तो उन्होंने ऑफर कर दिया, तो मैं वहीं से ज्वाइनिंग कर लिया। तो 4 साल वहाँ का एक्सपीरियंस, 4 साल मैंने उसी कंपनी में मैंने काम किया है एज अ सिविल इंजीनियर पोस्ट पे, साइट इंजीनियर की पोस्ट पे। पहले मैंने एज अ सुपरवाइजर था। पूर्वांचल का नाम तो मैं भी सुना हूँ, काफी बड़ी कंपनी है, नोएडा में भी है। हाँ, नोएडा। तो अच्छा, जैसे कि मेरे व्यूअर्स हैं अभी इंडिया में बहुत ज्यादा जी, तो उनके बारे में जैसे अगर वो भी आपका माशाल्लाह ये बिल्डिंग बन रही है, आपको इसके बारे में तो पूरी नॉलेज होगी, तो थोड़ा सा जैसे कि यहाँ के आप तो कई साइटों पे घूमे हैं सलमान भाई, जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों, तो सलमान भाई जैसे ये बिल्डिंग बन रही है अभी, आपको जैसे इंटरव्यू के लिए कैसे क्या क्या किए हैं, कैसे कहाँ जाना हुआ? पहले मैं क्या हुआ था कि मैं यहाँ पर जब आया था तो लोगों ने मुझे बताया, सजेशन दिया कि आपको ऑनलाइन पहले सर्च करना है, ऑनलाइन जैसे कई वेबसाइट हो गई है, जैसे ड्यूबिजल है, इंडीड है, और नौकरी गल्फ है, और एक मोरजान है। तो आप कोशिश, जो भी फ्रेशर इंजीनियर है, एज अ फ्रेशर इंजीनियर यहाँ पर आ रहे हैं, तो मुझे सबसे पहले तो यहाँ की सीवी, इंडिया की जो सीवी लेकर आते हैं, वो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी तो वही होती है कि उनकी सीवी ही सिलेक्ट नहीं होती है। क्यों? वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मेंशन करते हैं कि हम गल्फ के एक्सपीरियंस के हिसाब से सीवी नहीं बनाते हैं। यहाँ पे उनको सबसे पहले शॉर्टलिस्ट कराना सबसे बड़ा काम होता है। आप अगर शॉर्टलिस्ट हो गए किसी कंपनी में, तो वो एचआर आपके, आपको इंटरेस्ट देता है कि आपको 80% आपका सिलेक्शन हो गया। वहाँ पे जाने के बाद आपको कन्वर्सेशन होगा, वहाँ पे फिर एचआर आपकी नॉलेज जज करेगा। हाँ। फिर उसके बाद वो सिलेक्शन देता। तो पहले हमें शॉर्टलिस्ट कराना सबसे बड़ी बात है। और इंटरव्यू में कुछ ज्यादा खास नहीं, यहाँ इंटरव्यू होता है, मैं एज अ फैक्ट बता रहा हूँ। हाँ। कुछ इतना टेक्निकल क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। अगर आप इंडिया का गल्फ का एक्सपीरियंस आपका 5 साल 6 साल भी है, तो यहाँ
यहाँ पे जीरो काउंट करते हैं जी। यहाँ पे गल्फ का एक्सपीरियंस फर्स्ट प्रायोरिटी जो भी यहाँ पे देता है वो गल्फ एक्सपीरियंस को ही देते हैं। गल्फ एक्सपीरियंस अगर आप इंडिया से एक्सपीरियंस चाहे 4 साल 5 साल इवन 10 साल का भी करके आए हैं तो भी आपको जीरो से यहाँ पे काउंट करते हैं एज अ फ्रेशर, आपको जॉब पे रखेंगे अगर ज्वाइनिंग होगी। अच्छा सलमान भाई, जैसे एक बार मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ, मेरा जो अपना अंदाजा है जब इंटरव्यू करते होंगे तो पूरे स्पीकिंग जो है स्किल क्या होनी चाहिए? स्किल्स मतलब सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन लेते हैं, हर कंपनी का यही रूल होता अच्छा है कि सबसे पहले आप एंट्री हुई, एंट्री होने के बाद वो अपने आपके बारे में थोड़ा रिलैक्स होने के लिए आपसे थोड़ा इंटरव्यू लेते हैं। उसके बाद क्या पूछते हैं कि आपको कि आप थोड़ा रिलैक्स हो जाएं और अपने बारे में कुछ बताएं, फिर आपके कॉलेज से रिलेटेड पूछेंगे। अच्छा कॉलेज से? हाँ, लेकिन सारा क्वेश्चन इंग्लिश में होता है या नहीं? जैसे क्या होता है कि बहुत अभी तक जो मेरा इंटरव्यू हुआ है अभी एक रिसेंटली में, अभी तो एक मैंने जितनी भी कंपनी दिया हूँ मुझे लग रहा है कि दो तीन कंपनी में इंटरव्यू आपका मेरा इंग्लिश में हुआ, बाकी यहाँ पे मोस्टली जो अपने इंडियन एचआर मोस्टली इंडियन है, अगर वो लग जाता तो वो हिंदी में भी इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं। अच्छा कंडक्ट कर लेते हैं, बट आपको इंग्लिश आनी चाहिए। और यहाँ पे सब कई कंपनियां ऐसा है कि रिटर्न में भी एग्जाम पहले टेस्ट लेती है। अच्छा, आपको रिटर्न लेगी, फिर उसके बाद पहले इंटरव्यू होगा, फिर रिटर्न होगा, फिर उसके बाद फाइनल राउंड में आपको लेकर जाती है, सिलेक्शन होगा, तब जाके आपका मतलब सिलेक्शन वो करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। तो अभी सलमान भाई, जैसे अभी आप बता रहे थे कि मैं वॉकिंग इंटरव्यू दिया था, तो इंजीनियर का उस वक्त इंटरव्यू चल रहा था, उसमें क्या क्या क्वेश्चन किए थे? मैं ऐसे वॉक इन इंटरव्यू में मैं गया तो पहले सबसे पहले यहाँ पर अभी जो दुबई की कंडीशन है यूएई की, यहाँ पे जो सिविल इंजीनियर एज ए विजिट पे काफी इंजीनियर्स आए हैं वो अगर मैं पहले सबसे पहले मैं ये बात और बताना चाहता हूँ, जो वो फ्रेशर इंजीनियर यहाँ पर आ रहे हैं तो वो कम से कम इंडिया का एक्सपीरियंस जरूर यहाँ पर इंडिया के एक्सपीरियंस जरूर लेकर आए, वो काम करके आए, क्योंकि आपको ऐसा नहीं है कि आपको इंट्रो रख के आपको सिलेक्शन दे देंगे, आपकी डिग्री पे सिलेक्शन दे देंगे, आप एक्सपीरियंस लेटर बना लिए लाके लेकर आके आप इंटरव्यू नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं। आपको टेक्निकल यहाँ पे राउंड होता है, टेक्निकल यस, और टेक्निकल में आपको बेसिक क्वेश्चन पते होना चाहिए, जैसे आपका फॉर एग्जाम्पल आपको स्टील ले लिया, आपको 10 mm स्टील क्या अच्छा होती है, तो ये कॉलम कितने स्टैंड के कॉलम की मिनिमम स्टील कितनी यूज करनी चाहिए, कितने एमएम की यूज करना चाहिए, मतलब वहाँ पे कंप्यूटर में दिखा के पूछते थे कि ये अच्छा ऐसे क्वेश्चन ऐसे जनरली अच्छा, जनरली क्वेश्चन करते थे कि मतलब ये कॉलम की कितनी वो होनी चाहिए, हाँ मिनिमम आपको कितने नंबर ऑफ स्टील यूज करना चाहिए, सर्कुलर में कितने नंबर ऑफ स्टील यूज करना चाहिए, ये जैसे सीएनसी ब्लॉक लगा हुआ है इसकी स्टैंडर्ड साइज कितनी होती है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। वन वे टू वे स्लैब क्या होता है, शटरिंग कैसे मेजरमेंट की जाती है, शटरिंग में ऑयल कितने लीटर यूज होते हैं, मिलीग्राम यूज करना, ये सब क्वेश्चन होते हैं, तो आपको ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, तब जरूरी आप इंटरव्यू क्रैक कर पाएंगे, अदरवाइज आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा अच्छा, तो सलमान भाई मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे बहुत सारे हमारे इंडियन अभी स्टूडेंट है बीटेक करके निकलते हैं तो वो चाहते हैं कि मतलब एकदम अच्छी सैलरी लग जाए, अभी सोचते हैं जाएंगे दुबई में तो 40-50 हज़ार 60 हज़ार लग जाएगी नौकरी, और इंडिया में भी मैं देखा बीटेक करने वाले को 15-20 हज़ार तो स्टार्टिंग में लग ही जाती है, उनके लिए क्या सर्विस करेंगे, कैसे वो दुबई आए? मैं एक सजेशन ये दूंगा कि मेरा भी एम था कि मैं दुबई गल्फ कंट्री में ही जॉब करनी थी, बट स्टार्टिंग से मेरा ये था कि मुझे पहले अपना होम कंट्री का अपना एक्सपीरियंस लेना है, क्योंकि यहाँ पे मैंने कई लोगों से मैंने जैसे आप वीडियो आपने बना रहे ऐसे में कई यूट्यूबर को भी देखा था, उन लोगों से सजेशन लिया था इंजीनियर्स का कि आखिर इनका रूल क्या होता है, क्या करना है, तो उन्होंने मुझे बताया था कि पहले मतलब बेसिक आपकी नॉलेज होना चाहिए, साइड पे प्रैक्टिकल नॉलेज बेसिक होनी चाहिए, और आपको सबसे पहले जो फ्रेशर इंजीनियर है वो सॉफ्टवेयर पे भी ध्यान दें, सॉफ्टवेयर ऑटो कैड मस्ट, आपको 2D ऑटो कैड आनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे यहाँ पे क्या होगा एक साइट आपको दे देंगे, जैसे ये साइट आपको थमा दिए वो अच्छा, दे देंगे और हाँ। देने के बाद आपको ये आप एक इंजीनियर दे दिया, आप ही को सारी साइट देखना है, सब कुछ आपको डील करना है, एज अ फोरमैन एक सुपरवाइजर आपके अंडर में रहेगा, आपको सारी साइट का जितना भी है सब कुछ आपको करना है, तो ये आपको बेसिक जब नॉलेज ही नहीं होगी तो आप साइट कैसे हैंडल करेंगे, बिल्कुल सही बात। तो ये चीजें हैं कि एज अ फ्रेशर आपको यहाँ पे मैं जो फ्रेशर इंजीनियर जो वीडियो यहाँ पे गल्फ कंट्री में आना चाह रहा था उनके लिए मैं एक सजेशन दे रहा हूँ, इंटरव्यू में बेसिक नॉलेज आपको वहाँ प्रैक्टिकल की जरूर गेन करके आए, एज अ 1-2 साल वहाँ का एक्सपीरियंस लेकर तभी आप गल्फ कंट्री में आए, तो यहाँ पे इसलिए आपको जॉब 2D पूरा ऑटो कैड आपको आना चाहिए, अगर आपको 3D नहीं आता 2D आपको बेसिक नॉलेज है तो भी आप बहुत अच्छे मतलब अच्छा है आपके लिए। ये बहुत अच्छी बात बताई इनकी बात से मुझे भी याद आया, मैं कार मैकेनिक का एक इंटरव्यू लिया था सलमान भाई, वो मेरे दोस्त थे, एक बंदा आया तो लेवा के आया रेफरेंस से कि मतलब मेरे रिश्तेदार है, तो वो लेवा के आया तो उनसे पूछने लगे,
तुरंत वो 4-5 सवाल किए, ये एसी में ये चीज क्या होती है, ये एसी में फला जगह क्या होती है, तो 2-3 तो वो नाम बताया बड़ी मेहनत से, और 2-3-4 का वो बेसिक मतलब बेसिक पूछे थे। जब नाम नहीं बताया तो वहीं से वो समझ गया कि यार बंदे को जब यही सिंपल ही चीज नहीं आ रही है, बंदा आगे क्या काम करेगा, तो वहीं से उसको कह रहे हैं कि यार हमारे लायक नहीं है, मतलब जान पहचान के। तो यही चीज है, मतलब हर लाइन में आपको अपने घर का एक्सपीरियंस, अपने अपने इंडिया का एक्सपीरियंस जरूरी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपको एक भाई का और बात बता दूं कि आप अगर वहाँ पे जिस चीज का एक्सपीरियंस लेते हैं, मतलब सिविल इंजीनियरिंग, रोड कंस्ट्रक्शन, कई इसमें कई डिपार्टमेंट, बहुत डिपार्टमेंट, बहुत ये तो बहुत बड़ा है। हाँ, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, क्यूसी है, सर्वेयर है, तो यहाँ पे इंडिया में क्या कि हम लोग एक ही काम, एक ही इंजीनियर सब करता है। हाँ। क्यूसी भी देखता है और सर्वेयर भी देखता है, साइट इंजीनियर भी है, सुपरवाइजर का भी काम करता है छटरिंग, लेकिन यहाँ पे ये चीजें अलग है। इंडिया में जैसे इंडियन स्टैंडर्ड कोड यूज होता है, यहाँ पर जर्मन कोड गल्फ कंट्री में यूज होते हैं, तो सारी चीजें प्रोसेस सेम है, ऐसा कुछ नहीं है कि इंडिया में जो इंडियन कोड है वो अलग है, सब कुछ सेम है, बट यहाँ पे यूज जर्मन कोड होता है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप जिस चीज की नॉलेज लेके आ रहे हैं, जैसे साइट इंजीनियर, तो आपको साइट इंजीनियर की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, उस फील्ड के आप माहिर होना चाहिए, ये तो बात ठीक है। बेसिक आपको पता हो, आपको टेक्निकल इतना ज्यादा नहीं क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आप साइट इंजीनियर है तो आपको स्टील आनी चाहिए, कितने एमएम की स्टील है, ये कितने नंबर ऑफ, आपको क्वांटिटी की कॉलम में, ये कॉलम में ये कॉलम है, तो ये कॉलम में कितने एमक्यू माल, आपकी क्यूबिक मीटर माल आपके इसमें आएंगे, ये आपको निकालना बेसिक आना चाहिए। अगर आपको ये नहीं आएगा तो आपको यहाँ जॉब मिलना थोड़ा सा मुश्किल, थोड़ा क्या काफी मुश्किल हो जाएगा। मतलब एक एक लाइन में खूब अच्छी डिटेल आनी चाहिए जिस फील्ड के लिए आप आ रहे हैं, सिविल इंजीनियर चाहे अगर सर्वेयर, तो उसकी सर्वेयर की काफी अच्छी नॉलेज होना चाहिए। अच्छा, अच्छा। और ऑटो कैड आपके लिए मस्ट है, आप जरूर उसको गेन करके यहाँ पर ही तभी आए, वो आपके लिए प्लस पॉइंट है। सलमान भाई से मिलकर बहुत अच्छा लगा, माशाल्लाह इन्होंने नौजवानों के लिए बहुत अच्छा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, क्योंकि मुझे तो इंजीनियर के बारे में नॉलेज है नहीं सलमान भाई, लेकिन जो इंजीनियर भाई हमारे देखते हैं उनके लिए मैं वीडियो बनाया, और ये भी बेचारे बहुत टाइम दिए, माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सलमान भाई के चैनल पे आप लोग जरूर विजिट करिए, क्योंकि वो पूरी फुल इन्फॉर्मेशन देते हैं, मैं नीचे लिंक दे दूंगा सलमान भाई का, और अब माशाल्लाह यूट्यूब पर भी धीरे धीरे लोगों को सिखाएंगे।